आज विज्ञान भैरव तंत्र की एक और ध्यान विधि हम लेते हैं। शिव कहते हैं, ललाट के मध्य में अर्थात अपनी दोनों भौहों के बीच सूक्ष्म श्वास अर्थात प्राण को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। शिव का ये सूत्र भी ध्यान के जगत में आधारभूत प्रक्रियाओं, सिद्धांतों और विज्ञान के संदर्भ में है। ये सूत्र तुम्हारे आज्ञा चक्र को, थर्ड आई को सम्मिलित करता है, तुम्हारे श्वास के विज्ञान को सम्मिलित करता है, तुम्हारे सोने के जगत को, द वर्ल्ड ऑफ स्लीप, और स्वप्न और मृत्यु। देखा जाए तो ये तुम्हारे पूरे जीवन को अपने में शामिल किए हुए हैं। अगर इस सूत्र पर ठीक ठीक काम कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन से बेहोशी विदा हो सकती है, मनोरोग विदा हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, भय विदा हो सकता है, और जो उसको पीड़ित करने वाली जीवन की परिस्थितियां हैं उसमें वो एक कमल की तरह हमेशा खिला रह सकता है। शिव कहते हैं कि अपनी दोनों भौहों के बीच, ललाट के मध्य में अपनी सूक्ष्म श्वास को टिकाओ। सांस की पहली विधियां आपने समझी, जो पहले सूत्र थोड़े थोड़े अंतर से शिव ने जिनकी बात की थी उन्हें आपने बड़े सजगता से समझा ही होगा। इसमें शिव कह रहे हैं कि सांस को टिकाओ, अर्थात सांस तो टिकेगी नहीं, लेकिन सांस का एक जो आधारभूत काम है या सांस जिसलिए चलती है, इसीलिए शिव ने सूक्ष्म सांस उपयोग किया है शब्द, वो टिकेगा। सांस तुम्हारे प्राणों का कैरियर है। तुम्हारे अंदर जब सांस आ रही है तो प्राण ऊर्जा को तुम तक लेकर आ रही है, और जब तुमसे बाहर जा रही है खाली जा रही है। जीवन यही है कि सांस आई और जागतिक या अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल जो प्राण ऊर्जा है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई, तुम जीवन को उपलब्ध हुए, और जब सांस बाहर गई तो उसने अपना काम पूरा कर दिया था, वो खाली बाहर गई। मृत्यु के काफी वक्त पहले, व्यक्ति व्यक्ति पर कई बार ये निर्भर करता है अंतर, ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। सांस आती है खाली, और जब लौटती है तो प्राण ऊर्जा साथ में लेकर जाती है। लेकिन मृत्यु की जब अंतिम घटना घटने को होती है तब ये प्रक्रिया सतत चलती है, कंटिन्यूअस चलती है। इसीलिए अगर कोई इस प्रक्रिया को बहुत सजगता से जानता है तो वो अपने मृत्यु के वक्त को जान जाएगा। अब तुम एक बार तो मरते नहीं हो। मनुष्य की विडंबना यह है कि वो दिखाई देता है कि एक बार मरता है, लेकिन उस मरने के पहले वो न जाने कितनी बार मरता है। बुद्ध पुरुष, सद्गुरु
तुमको उसी मरने से बचाने की बात करते रहे हैं कि मरो, एक बार मरो, ठीक से मरो। लेकिन बार बार मरना क्या? तुम दिन में कई बार सांसों की इस प्रक्रिया से दो चार हो जाते हो, तीव्र क्रोध के क्षण में, तीव्र काम वासना के क्षण में, तीव्र घृणा, ईर्ष्या, प्रतिक्रिया, जितने भी भाव नकारात्मक कहे गए हैं उनमें भी प्रायः ये सांस की प्रक्रिया उल्टी हो जाती। लेकिन चूंकि ये क्षणिक मृत्यु है, एक टेम्परेरी डेथ है, तो ये प्रक्रिया आती जाती रहती, इसका पैटर्न फिक्स नहीं होता। जैसे तुम्हें क्रोध पकड़े तो तुम अपने अंदर इतनी ऊर्जा अनुभव कर सकते हो जितनी शायद तुमने पहले ना करी हो। तुम बीमार थे, तुम्हें लगता था कि अब तुम चलकर थोड़ी दूर नहीं जा पाओगे, और तुमको क्रोध आ जाए, तुम अभी तेज तेज चलने लग जाओगे। क्रोध आ जाए तो तुम ऐसे ऐसे काम कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी कर सकता है। तुम अपने से दोगुने वजन के व्यक्ति को उठाकर पटक सकते हो, ऐसा कई बार होता है। जीतता वही है जो ज्यादा क्रोध के आवेश में आ जाता है, या वो जीतता है जो ध्यान में स्थिर हो चुका होता है। बीच का व्यक्ति हारता ही हारता है। लेकिन क्रोध ने क्या किया? पहले तो तुम्हारे सांसों में प्राण को बहुत तीव्रता से भर दिया। जब उसने तीव्रता से भर दिया तो तुमको ऐसा लगा कि तुम बड़े शक्तिमान हो गए, ऊर्जावान हो गए। लेकिन तुरंत ही जितनी तीव्रता से उसने भरा था उतनी ही तीव्रता से वो सांसों के साथ तुम्हारे प्राणों को बाहर भी फेंक देता है। तब तुम बहुत शक्तिहीन, ऊर्जाहीन अनुभव करते हो। इसीलिए एक गहरे क्रोध के क्षण में तुम दो चीजें अनुभव करते हो, और हर भाव दशा में। क्रोध का तो उदाहरण बता रहा हूं। एक तो तुम गहरी शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन जैसे ही वो भाव विदा हो तुम कांपता हुआ अनुभव करते हो। तुम्हारे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे होते हैं, तुम नम हो रहे होते हो, तुम्हें लगता है कि अब तुम चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, कि तुम गिर जाओगे। और कई बार लोग बेहोश हो भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, क्योंकि अब जब सांसें गईं, ऊर्जा को तुम्हारे अंदर झोंकने के बाद जब दोबारा वो गई तो वो एक पेंडुलम रिएक्शन में तब तुम्हारी सारी प्राण ऊर्जा को बाहर ले गई। जिस तीव्रता से उन्होंने उसको तुम्हारे अंदर फेंका था उसी तीव्रता से ले गई। ये एक आंशिक मृत्यु। प्रायः अगर तुम्हें कोई नकारात्मक भाव पकड़ता है तो तुम शक्तिहीन अनुभव करते हो। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कुछ नकारात्मक भाव पकड़े रहें तो वो शक्तिहीन अनुभव करने लगता है, थका थका अनुभव करने लगता है, बीमार अनुभव करने लगता है, यानी कि मृत्यु की जो आहट है वो तुम्हारे ऊपर आने लगी। फिर शिव कह रहे हैं कि अगर तुमने उस सूक्ष्म श्वास को टिकाया तो स्वप्न और मृत्यु पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। तो स्वप्न की जो प्राथमिक चीज है वो है नींद। स्वप्न के लिए जो आवश्यक चीज है वो है नींद का आना। अगर तुम्हें नींद ही ठीक से नहीं आएगी तो तुम स्वप्न के जगत में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हारा मानसिक जगत अस्त व्यस्त हो गया है, सांसों की प्रक्रिया ने तुम्हारी प्राण व्यवस्था को ठीक ठीक नहीं संचारित किया है, तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। जो आधार भूमि है स्वप्न की वो इससे डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें बाधा पड़ जाएगी, तुम्हें नींद आनी मुश्किल हो जाएगी। तो जो व्यक्ति किसी भी नकार के भाव में चला जाता है उसकी नींद खराब होती है।
अब तुम इसी बात से तय कर सकते हो कि तुम ठीक व्यवस्था पर हो या गलत व्यवस्था पर हो। कोई इसका नैतिक मानदंड नहीं है, इसका कोई धार्मिक आकलन भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जो बात तुम्हें सुखद नींद में ले जाए वो तुम्हारे लिए ठीक है, अभी ये आधा पक्ष है। और जो बात भी तुम्हें ठीक से सोने ना दे वो तुम्हारे लिए गलत है। अब इस आधे पक्ष के बाद दूसरी बात, शिव कहते हैं स्वप्न। वो कहते हैं कि सोने के ठीक पहले इस भाव दशा को तुम्हें लाना है कि वो तुम्हारे ललाट के मध्य स्थिर हो रहा है और बरस रहा है, वो प्राण बरस रहा है तुम्हारे हृदय केंद्र तक। अगर तुम इस प्रक्रिया को कभी अनुभव करोगे, अब ये इस ध्यान विधि की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये ठीक सोने के पहले करने वाली विधि, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो कहते हैं कि मेरे पास ध्यान के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारे पास सोने के लिए तो हमेशा वक्त होता ही है, तो उसी वक्त का उपयोग करना है, कोई अलग वक्त नहीं। वो कहते हैं जब तुम नींद में जा रहे हो तो अपने सांस को अपने आज्ञा चक्र पर लाओ, अपने ललाट के मध्य में लाओ, प्राण को अनुभव करो। अब इस प्राण को अनुभव करने की तुमको जो सिंपलेस्ट डिवाइस मैंने हमेशा बताई है, इसलिए तुम उसे पकड़ सकते हो। ये कोई बड़ा मिस्टीरियस उलझाव भरा काम नहीं है कि प्राण को कैसे पकड़ो, जिसे मैं कहता हूँ तुम्हारी जीवंतता, अलाइवनेस, उसे पकड़ो। ये अलाइवनेस ही प्राण का अनुभव है, जितना प्राण उतनी अलाइवनेस। जैसे तुम कहते हो कि तुम बहुत प्राणवान हो गए हो, कभी तुम कहते हो प्राणहीन हो गए हो, बिल्कुल ही प्राण शून्य हो गए तो मर गए। ये जीवंतता का अनुभव ही प्राणवान होने का अनुभव है। और जब तुम शरीर के किसी भी केंद्र पर इस अलाइवनेस को अपने फोकस के साथ महसूस करना शुरू करते हो तो तुम प्राण को ही महसूस करो। प्राण को सीधे तो तुम नहीं महसूस कर सकते, सीधे महसूस करने का उपाय नहीं, लेकिन तुम अलाइवनेस, तो तुम देखो कि तुम्हारी आज्ञा चक्र पर कितनी ऊर्जा, कितनी जीवंतता, जीवन की धड़कन कैसे वहां पर विद्यमान है। और तुम जैसे जैसे उसे अनुभव करोगे तुम देखोगे कि कुछ और भी हो रहा है। वो अलाइवनेस तुम्हारे हृदय केंद्र की ओर उतर रही है। शिव इसे कहते हैं कि उसे प्रकाश की तरह बरसता हुआ अनुभव करो अपने हृदय केंद्र तक। तुम प्रारंभ में इसका कल्पना की तरह उपयोग भी कर सकते हो कि तुम एक प्रकाश की स्थिति को अपने आज्ञा चक्र से अपने हृदय केंद्र में झरने दे सकते हो, एक निर्झर की तरह, एक झरने की तरह। लेकिन अगर तुम कल्पना का उपयोग ना भी करो और तुम आज्ञा चक्र पर अपनी अलाइवनेस को महसूस करते रहो, बस तुम महसूस कर रहे हो, तुम कोई विचार नहीं कर रहे हो उस समय, तो तुम देखोगे कि कुछ धारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगी है। ये ध्यान विधि ही तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय के बीच के विभाजन को समाप्त कर देती है। आम तौर से लोग इसी में उलझे रहते हैं कि वो मस्तिष्क केंद्रित हैं या हृदय केंद्रित है। प्रारंभिक तल पर वो हैं, कुछ विचार प्रधान हैं और कुछ भाव प्रधान हैं लोग, लेकिन ये ध्यान विधि तुम्हारे आज्ञा चक्र से तुम्हारे हृदय केंद्र को प्रकाश के माध्यम से जोड़ देती है, एक दैवीय ऊर्जा के माध्यम से जोड़ देती है। नींद भी तुम्हारे ऊपर आती है तो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। नींद एक बादल की तरह तुम्हारे ऊपर आती है, जस्ट लाइक ए क्लाउड।
क्योंकि तुम तो बस बिस्तर पे गए और सो गए, उठे और काम पे चल दिए। तुम सोने के क्षण के पहले जब तुमने अपना सिर अपने तकिया पे टिका दिया है तो थोड़े जागरूक हो जाओ, नींद को आता हुआ भी महसूस करो और तब तुम देखोगे कि वो एक बादल की तरह तुम्हारे ऊपर आती है और वो भी तुम्हारे हृदय केंद्र में डूब रही है, वो भी तुम्हारे आज्ञा चक्र से लेकर तुम्हारे हृदय केंद्र की तरफ तुमको ले जा रही है। इसीलिए तो नींद में प्रवेश करने के बाद तुम्हारे लिए अचेतन के द्वार खुल जाते हैं, तुम्हारे अवचेतन के बंद द्वार खुल जाते हैं, तुम्हारे स्वप्नों का जगत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। तुम्हारे चेतन मन ने जिसको रोक रखा था, तुम्हारे हृदय केंद्र के स्पर्श से हृदय केंद्र अनलॉकिंग डिवाइस है, वो तुम्हारे हर दमित भाव को मुक्त करने की व्यवस्था है। तो जैसे ही वो ऊर्जा तुम्हारे हृदय केंद्र को स्पर्श करती है, सब अनलॉक्ड हो जाता है, तुम्हारा अचेतन खुल जाता है, तुम स्वप्नों के एक मायावी जगत में प्रवेश कर जाते। अब स्वप्न भी एक अजीब सी चीज है, ये विधि मल्टी लेयर्ड है। अभी तो शिव बात कर रहे हैं नींद में आने वाले स्वप्न की, जैसा तुम्हें लग रहा है। पहले काम तो तुम्हें उन्हीं सपनों पर करना होगा जो तुम्हें नींद में आ रहे हैं। तुम्हारे सपने भी तुम्हारे ऊपर आरोपित थे, तुम्हारा उनमें कोई योगदान प्रत्यक्षतः नहीं है कि आज तुम सो और तुम सोचो कि मैं ये सपना देखूंगा मैं ये नहीं देखूंगा, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे पास नहीं है। बस सपने तुम्हारे ऊपर आते हैं, तुमको उन्हें देखना ही पड़ता है। वो बार बार आए तो तुम्हें उन्हें बार बार देखना पड़ता है, वो रोज आए तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते कि अब नहीं देखेंगे इसी फिल्म को बार बार, मुझे नहीं देखना। तुम्हारे पास कोई बटन नहीं जिससे तुम उसे बंद कर सको और तुम व्यथित होते रहते हो। लेकिन अगर इस ध्यान विधि में जाओ तो शिव जी स्वामित्व की बात करते हैं, मास्टरी की, तुम बटन बंद कर सकते हो। अगर तुमने ये एक दिन में नहीं आएगा, करते रहोगे हफ्तों महीनों, हो सकता है किसी दिन अचानक तुम्हारा प्राण तुम्हारे ललाट के केंद्र में आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो और तुम वहां से एक ऊर्जा एक प्रकाश को अपने हृदय केंद्र में प्रवेश करता अनुभव करो। जिस क्षण वो आया उस क्षण तुम अपने स्वप्नों पर बटन दबा सकते हो। तुम कहोगे मुझे ये सपने नहीं चाहिए, वो बंद हो जाएंगे, फिर तुम जैसे सपने चाहो वैसे देख सकते हो। तुम जैसे सपने चाहो, तुम्हारी च्वाइस ये भी नहीं, तुम देखो कितने कमजोर कितने हेल्पलेस हो। संन्यास में भी लोग स्वामी शब्द अपने आगे लगा देते हैं, परंपरा में लगाया जाता रहा, उसका अर्थ इतना ही होता था कि तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हारा स्वामित्व हो, तुम्हारी कुछ मास्टरी हो। लेकिन न उन स्वामियों की मास्टरी है जो नाम लगाए घूमते हैं, न तुम्हारी। तुम इतने असहाय हो कि छोटा सपना तुम्हें परेशान करता है। तुम रोज देखते हो कि एक छिपकली तुम्हारे सपने में चली आ रही है, वो रोज चली आ रही है, तुम उसको रोक भी नहीं सकते। किसी दिन तुम कह दो कि नहीं आज मत आना, तुम किसी दिन चाहो कि तितली आ जाए, तुम्हें जो अच्छा लगता है नहीं आती। तुम अपने प्रियजनों को याद करने की कोशिश करते हो, अक्सर लोग कहते हैं दिखते ही नहीं, काश सपने में ही दिखा करें, नहीं दिखते। जिनको नहीं देखना चाहते वो दिखते रहते। अब इसका और गहरा हिस्सा, शिव तुम्हारे स्वप्निल जगत की बात भी कर रहे हैं। शिव तुमको ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारा जगत तुम्हारे स्वप्न जैसा ही है। आदि शंकर ने
जिस बात की घोषणा बहुत बाद में करी कि ये संसार स्वप्नवत है। स्वप्नवत का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो तुम्हारे अपने ख्यालों, तुम्हारे अपने विचारों, तुम्हारी अपनी धारणाओं, तुम्हारी अपनी मान्यताओं से बुना गया है, है कहीं नहीं। सपना यही है, तुम्हारे विचार, मान्यताएं, विश्वास, धारणाएं, तुम्हारे अनुभव, अनुभूतियां सब बदलेंगे, तुम्हारा स्वप्निल जगत बदल जाएगा। आज तुम एक किस्म के स्वप्निल जगत में रह रहे थे, तुम्हारी आंतरिक बुनावट, तो जो इंटरनल वीविंग है तुम्हारे माइंड की, वो बदल जाए, तुम्हारा स्वप्निल जगत बदल जाएगा। इसीलिए तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। शिव तुम्हें इसी गहरे धरातल की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि स्वप्न पर स्वामित्व से उनका कोई बड़ा अभिप्राय नहीं हो सकता है। कि तुम मान लो अपने नींद के सपनों पर स्वामित्व कर भी लिए तो तुमको क्या हासिल होगा, तुम बोर हो जाओगे। बस इसमें रोचक बात यही है जिसकी वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर तुमने स्वामित्व हासिल कर लिया तो तुम स्वप्न देखना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता है कि स्वप्न तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। और एक तल पर कोऑपरेट भी करते हैं। कोऑपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम उलझन में हो, तुम उलझे हुए व्यक्ति हो, उसके लिए तुमको पहले तो ध्यानपूर्ण होना पड़ेगा, तब तुम जानोगे कि स्वप्न कितने बाधक भी थे, क्योंकि तुमने अभी वो क्वालिटी नहीं जानी थी विश्राम की, नींद की। स्वप्न तो आकर थोड़ा सा तुम्हारे मन में भर गई जो गैस है, स्टीम है, उसको निकाल देते हैं, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, तुम्हारी नींद बनी रहती, गहरी नहीं जाती लेकिन बनी रहती है। अगर तुम कोई भी स्वप्न ना देखो और तुम ध्यानपूर्ण नहीं हुए हो तो तुम्हारा मन इतने तनाव से भर सकता है कि वो क्रैश कर सकता है, तुम विक्षिप्त हो सकते हो। स्वप्न तुम्हें विक्षिप्तता से बचाने का एक उपाय भी है, क्योंकि तुम्हारे मन पर जो दबाव था उस दबाव को वो निकाल देते। तुम अपने जागते हुए जीवन में उन सब कल्पनाओं को जगह नहीं दे सकते थे, लेकिन वो अब तुम्हारे नींद के जगत में आकर तुम्हारा मन तुम्हारे लिए उपलब्ध करा देता है, तुम शांत हो जाते हो। और अध्ययन से ये भी पता चला है कि कभी कभी अगर तुम्हें नींद की बहुत ज़रूरत है और तुम जगने की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा शरीर, या कहें बॉडी माइंड, शरीर मन, क्योंकि ये एक ही घटना है, इसको अलग अलग बोलना उचित नहीं है, तुम्हारा शरीर मन ये जान रहा है कि नहीं तुम्हें अभी कुछ और सोना चाहिए, तो वो अचानक तुम्हें एक स्वप्न दे देगा और फिर तुम उस स्वप्न को देखते देखते सोते रहोगे। अगर वो स्वप्न ना दे तो तुम अब जागने की तरफ थे, तुम जागने ही वाले थे, और तुम्हारे शरीर मन के लिए शायद ये स्थिति तनावपूर्ण होती। तो इस अर्थ में देखा जाए तो नींद के सपने तुम्हारे लिए सहयोगी भी हैं, हेल्पफुल हैं, लेकिन वो अभी एक ऐसी प्रक्रिया को रोक रहे हैं जिसे तुमने नहीं जाना है, वो गहरी निद्रा को रोक रहे हैं। गहरी निद्रा समाधि से मिलती जुलती घटना है, और तुम अपने नींद के जगत में भी बहुत थोड़ा सा टाइम उस स्वप्न रहित नींद का महसूस करते हो, जिसे योग सुषुप्ति कहता है। उस क्षण तुम तरोताजा होकर वापस आते हो, तुम पूरी तरह फ्रेश हो चुके होते हो। तो ये तो सपनों का एक काम। फिर यही जो स्वप्नों का जगत है वो निरंतर तुम्हारे चारों तरफ फैला हुआ है, और वही तुमको एग्जास्ट भी कर रहा है। अगर तुम अपने पूरे जीवन को स्वप्न रहित होकर जी पाओ तो तुम तरोताजा हमेशा बने रह सकते हो। मुझे लगता है कि जैसे तुम अगर पुराने वर्णन पढ़ो तो तुम्हें लगता है लोगों की उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती थी,
और थोड़ा ही पीछे अगर जाएं तब भी लगता है कि 100 साल, 125 साल, 150 साल तो लोग जी ही जाते थे। और मेरा ये मानना है कि उनके ऊपर आधुनिक मन का इतना दबाव नहीं था और उनके जीवन में वो स्वप्निल स्थितियाँ उतनी नहीं थीं, वो ज़्यादा तरोताज़ा रह पाते थे, उनकी ऊर्जा कम नष्ट होती थी, वो कम एग्जास्ट होते थे तो उनकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती थी। हम इतने स्वप्न में रहते हैं कि हम लगातार एग्जास्ट होते रहते हैं। हर व्यक्ति बैठा है, तुम सुन मुझे रहे हो, कहानी अपनी बुन रहे हो। इस कहानी को बुनना बंद कर देना ध्यान में प्रवेश। कई बार इस कहानी को बुनने को ही तुम ध्यान की अनुभूतियां कहते हो, जो तुम्हारा छलावा भी हो सकता है मन का। अब विभाजक रेखा यहां पर बड़ी थिन है, बड़ी पतली है। आज्ञा चक्र तुम्हारे लिए रहस्य जगत के सारे द्वार खोलता है, उसको जानने के लिए भी उस डिवाइस की जरूरत है, उस केंद्र की शक्ति की जरूरत है। लेकिन यही आज्ञा चक्र, यही ललाट के मध्य का केंद्र अगर अव्यवस्थित हो गया है तो यही तुम्हें सारे भ्रम, सारे हेलुसिनेशन, सारा पैरानोइया तुम्हें यही देता है, यही तुम्हें विक्षिप्तता भी देता है। धार्मिक लोगों की अनुभूतियां विक्षिप्तता और वास्तविकता के बीच बीच कभी कभी तैरती हैं, और मेरा देखना ये रहा है कि 99% धार्मिक अनुभूतियाँ विक्षिप्तता की कैटेगरी में ही जाती हैं। अब तुम अपने कैसे कैसे स्वप्न में अपने आप को लपेटे हुए हो, घेरे हुए हो, तुम इसको देखना शुरू करो। तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसे अनुभूतियां हैं जो तुम्हारे लिए कोई सार्थक परिणाम नहीं ला रहे हैं। तुम उनसे व्यथित भी हो सकते हो। ध्यान कहता है कि वही अनुभूति सार्थक होगी जो तुम्हें किसी सकारात्मक सृजनात्मक दिशा की तरफ ले जाएगी, अर्थात आनंद की दिशा में ले जाएगी। अगर वो तुम्हें विषाद की दिशा में ले जा रही है तो ये तुम्हारे स्वप्निल जगत का हिस्सा होगा, तुम्हारे हेलुसिनेशन का हिस्सा होगा। तुमको इससे सावधान रहना पड़ेगा। शिव ने दो बातें एक साथ उपयोग कर दी अद्भुत ढंग से कि स्वप्न और मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। वाई ड्रीम एंड डेथ साइमल्टेनियस? वो कहते हैं कि मृत्यु तो तुम्हारे स्वप्न की ही होती है, तुम्हारी मृत्यु तो होती नहीं। अगर तुम स्वप्न के जगत से बाहर हुए तो तुम मृत्यु के जगत से भी बाहर हो गए। स्वप्न और मृत्यु का गहरा रिश्ता है। जो व्यक्ति अभी बहुत स्वप्निल जगत में है, ड्रीम लाइक वर्ल्ड में है, वो उतना ही मृत्यु से भयभीत रहेगा, उतना ही वो व्यथित रहेगा, उतना ही विषाद से भरा रहेगा, क्योंकि उसका सपना कब कहां से हिल जाए, कब सपने पर आघात लग जाए। तुमने अपनी एक छवि बनाई हुई है, तुमने दूसरों की छवियां बनाई हुई हैं। तुम क्या जानते हो? तुम कुछ भी तो नहीं जानते, तुम तो स्वप्न में ही बस जी रहे हो। तुम किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हो, उसकी एक छवि बना लेते हो, दूसरा तुम्हारे पास आता है, वो तुम्हारी छवि बना लेता है, फिर किसी दिन तुम्हारे मन के रंग गड्ढमड्ढ हो जाते हैं तो तुम्हारी तस्वीर में कुछ अलग अलग रंग स्प्लैश हो जाते हैं, लेकिन तुम उन छवियों उन तस्वीरों से ही जी रहे हो। अब तुम बहुत घबराए हुए रहोगे, कब समाप्त हो जाए ये तुम्हारा खेल, कब जाने मिट जाए। तो मृत्यु हर पल तुम्हारे चारों तरफ घूमेगी,
मृत्यु से तुम हमेशा घबराए रहोगे। जो व्यक्ति मृत्यु से घबराएगा वो भयभीत होगा, वो अपमानित होने से डरेगा, वो कंगाल होने से डरेगा, वो बीमार होने से डरेगा। जितनी भी स्थितियां तुम देखते हो डरने की, समाज में जिनको सुनते हो, वो इस स्वप्निल जगत के कारण ही है कि तुम वास्तविक जगत में नहीं रह रहे हो, तुम एक सपनों के संसार में हो जिसे तुमने ही बनाया है, वो कहीं है ही नहीं। अगर वो होता तो तुम शांत होते। वो नहीं है इसलिए तुम लगातार तनाव में हो और लगातार भयभीत हो। और वो मृत्यु, जैसे किसी व्यक्ति को अपने नाम की बड़ी चिंता होती, वो कहेगा नाम, मेरा नाम खराब ना हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है? एक सपना ही तो है। नाम खराब होना भी एक किस्म की मृत्यु। कुछ लोगों के नाम पर कुछ बात आ जाए वो मरने जैसे हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन नाम खराब होने नहीं दूंगा, या मर जाऊंगा फिर भी नाम अमर कर जाऊंगा, पत्थर लगा जाऊंगा, अपने बाप दादों के पत्थर लगा दूंगा, स्कूल खोल दूंगा, धर्मशाला बनवा दूंगा, मंदिर बना दूंगा। अब पत्थरों का क्या, न जाने कितने पत्थर लगते हैं, हट जाते हैं, नए पत्थर लग जाते हैं। ये जो किस्म किस्म के भय हैं, ये मृत्यु के ही भय हैं। और हर मृत्यु का भय अवास्तविक जगत से उभरता, ड्रीम लाइक वर्ल्ड्स। तुम्हारी मृत्यु तो कहां होगी? तुम्हारी मृत्यु तो होने वाली नहीं। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुमने जैसा सोचा है, जैसा माना है, वैसा मिट जाएगा। अगर तुम इस स्वप्न से बाहर आ गए हो, अर्थात अपनी मान्यताओं से बाहर आ गए हो, तो तुम बड़े सहज रूप से जी सकते हो। मृत्यु का कोई भय नहीं हो सकता तुम्हें। तुम बीमार होने से भी डरते हो तो फिर बीमार होते हो। फिर तुम बड़े दुष्चक्र में उलझ जाते हो। तुम जिस जिस चीज से डरते हो वो चीज तुम्हारे साथ जरूर होती है। फिर तुम वो ऊर्जा के वर्तुल पैदा करते हो जो उनको आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। तुम जिस चीज से भयभीत होगे वो तुम तक आ जाएगी। तुम सोचते हो कि बीमार ना पड़ जाए, फिर एक दिन तुम बीमार पड़ जाते हो। बीमारी से भय क्यों है? क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते। तुम कौन हो जो मरना नहीं चाहते? कभी सोचो, तुम कौन हो जो मरना नहीं चाहते? अगर तुम इसको एक्सप्लोर करते रहोगे तो अचानक तुम मुस्कुराने लगोगे, तुम हंसने लगोगे, तुम किसी को ढूंढ ही नहीं पाओगे। और जब तुम ढूंढ नहीं पाओगे तो फिर वो बात ही खत्म हो गई। लेकिन तुमने एक ऐसा ताना बाना बुना है कि तुम मर गए। तुम अर्थात तुम, तो तुम्हारी दुकान, तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारे आसपास के लोगों का क्या होगा, क्या हुआ आसपास के लोगों का जिनके लोग नहीं रहे दुनिया में? दुनिया चलती रहती है। तुमको लगेगा कि प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो भी तुम्हारे मन की उपज है, वो भी तुम्हारी मानसिक ढंग से उपजी हुई है। तो जिस दिन तुम स्वप्न के जगत पर अपना काम करने लगते हो, अर्थात तुम वास्तविकता की खोज प्रारंभ करते हो, उस दिन तुम्हारे लिए एक नया जगत खुलता है। शिव ने तो इसको विधि के रूप में दिया कि वो ललाट से हृदय तक प्रकाश के रूप में प्राण को बरसता हुआ अनुभव करो। तुम इस प्रक्रिया को अगर करते रहोगे तो तुम इसको अपने पूरे जागृत जीवन में अनुभव करोगे कि जैसे एक प्रकाश बरस रहा है, जैसे एक सेतु बन गया है। और तब तुम्हारे देखने का एक अलग तल निर्मित हो जाएगा। ये देखने का तल मिरर लाइक, दर्पण की तरह। तुम देखते हो और दर्पण पर एक प्रतिबिंब बनता है,
सामने से दृश्य हट जाता है, दर्पण का प्रतिबिंब विदा हो जाता है, दर्पण वहीं का वहीं तरोताजा। अभी तुम्हारा जो देखने का ढंग है वो कैमरे की तरह है, तुम सारी इमेजेस को, सारे दृश्यों को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेते हो, उनसे बच ही नहीं पाते, उनको रिकॉर्ड कर लेते हो। और फिर वो कैमरा क्या, आजकल तो तुम्हारे मन की जो स्थिति है वो हाईटेक कैमरे की है, उसमें सारे फंक्शन हैं, उस कैमरे में तुम्हारे रिप्ले का बटन भी है, उस कैमरे में तुम्हारे प्रोजेक्टर भी है, सब कुछ है। तो आज का मन भी अत्याधुनिक हो गया है। एक तो तुमने सारी इमेजेस रिकॉर्ड की, फिर उनको रिप्ले करना शुरू किया, फिर उनको प्रोजेक्टर पे लगा दिया और सब इमेजेस चल रही हैं। तुम देखो कि ये क्या है, ये कैसी स्वप्न की दुनिया है। तुम अपने घर से यहां तक आए, वो सब विदा हो गया, खो गया, वो कहीं नहीं, लेकिन तुम अभी भी उसको रिप्ले कर रहे हो, अभी भी तुम उसको देखे चले जा रहे हो। मृत्यु तुम्हारे इस रिप्ले करने वाले और प्रोजेक्ट करने वाले माइंड की ही होती है। जब मन दर्पण जैसा हो जाता है तो वो तुम्हारे आत्मिक तल के निकट होता है, उसमें कोई छवियां नहीं है, और जब कोई छवियां नहीं है तब तुम्हारी आत्मिक, तुम्हारी जो सोल लेवल की, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस स्टेट है वो उभरती है। वो कॉन्शियसनेस स्टेट इटर्नल है, इमॉर्टल है, उसी को शिव कहते हैं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। मृत्यु पर ऐसा अधिकार नहीं हो जाएगा कि फिर तुम मरोगे नहीं, कि फिर तुम ललाट के बीच में प्राण को टिकाकर किसी कंदरा में बैठ जाओगे और हजार दो हजार साल बाद कोई टूरिस्ट वहां पहुंचेगा और तुमको वहीं बैठा हुआ पाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। तुम्हारी जो काल्पनिकता थी, तुम्हारे मन की जो छद्म स्थिति थी वो विदा हो जाएगी। तुम सहज वर्तमान में स्थित हो जाओगे।